अभी इनकी नहीं है। एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रांग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रहेंगे। पश्चिम बंगाल की जीत के बाद ये विपक्षी नेतृत्व पर ममता की हुंकार है। राहुल गांधी पर सीधा वार है। विपक्ष की एकजुटता में बड़ी दरार है। जंग छिड़ गई है। मोदी के खिलाफ झंडा बुलंद करने में किसका नेतृत्व होगा? अब कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी पर आग बबूला है। खुल्लम खुल्ला वार करते हुए मोदी के साथ का आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस नेता। मिले सूर मेरा तुम्हारा तो सूर बने हमारा, यही आज ममता बनर्जी की रवैया है बीजेपी की खुशी करने के लिए। ये साजिश आज के नहीं बल्कि पुराने साजिश है और आज उसके ताकत और बढ़ गए हैं, इसलिए उनके पीछे मोदी जी खड़ा बैठे हैं। इसलिए ये तना तरह तरह की बहाना बनाकर कांग्रेस को कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास में वो जुटी हुई है। अधीर रंजन चौधरी ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता ममता के खिलाफ हथियार निकाल रहे हैं। इतना जानता हूं कि आज देश में अगर सड़कों पर अगर भाजपा का कोई विरोध कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, कहां है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी? प्रियंका जी अकेली आज उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ रही है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सड़क पर लड़ाई लड़ रही है? उधर राहुल गांधी जी लड़ रहे, प्रियंका गांधी जी लड़ रहे, सदन में हम भी लोग सब मिलके लड़ रहे हैं, उनको भी हम साथ लेने की कोशिश तो बहुत से मुद्दों पे की है। तो ये ऐसा कहना कि राहुल गांधी जी फील्ड में नहीं है, वहां नहीं है, ये देखो व्यक्तिगत किसी की टिप्पणी, हम सब मिलके बीजेपी का मुकाबला करना है। ये नहीं कि हम अपोजिशन पार्टी एक दूसरे में लड़ना और हम डिवाइड होना और उसका फायदा बीजेपी को होना। ममता बनर्जी के कांग्रेस विरोधी तेवर के संकेत पिछले कई दिनों से मिल रहे थे। शरद पवार से ममता के रणनीतिकार प्रशांत कुमार के बाद ममता की मुलाकात सियासी फुसफुसाहट के बाद ठंडी पड़ जाती थी, क्योंकि इसी साल जुलाई के महीने में ममता बनर्जी ने अपने दिल्ली दौरे में सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कहा था कि बैठक में चाय पर विपक्षी एकजुटता पर चर्चा हुई थी। positive meeting, I think the positive result must come out. लेकिन नवंबर आते आते ममता का मिजाज बदल गया। इस बार दो अलग अलग मंच पर ममता ने कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी पर सीधा हमला बोल दिया। आपको लगता है कि शरद जी को आप यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? अरे क्या यूपीए, अभी यूपीए नहीं है। एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रांग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रहेंगे। ममता बनर्जी ने हमलों की बौछार ऐसी कर दी कि कांग्रेस पार्टी को छाता निकालने का मौका ही नहीं मिला। शीतकालीन सत्र में अब सियासत गर्म है। ममता बनर्जी ने शरद पवार के साथ चली लंबी बैठक में साफ कहा, गैर एनडीए दलों का नेतृत्व कांग्रेस करे ये मंजूर नहीं। सवाल खड़ा किया राहुल गांधी के नेतृत्व पर, कहा राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर उन्हें भरोसा नहीं, और ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी को बड़े भाई की भूमिका नहीं मिल सकती, उसकी पहले वाली हैसियत नहीं। कोलकाता से दिल्ली और मुंबई की दूरी कम हो चुकी है। ममता बनर्जी राष्ट्रीय सियासत में उड़ान भरने को बेताब हैं। उन्होंने सिर्फ शरद पवार ही नहीं, आदित्य ठाकरे से भी मुंबई में मुलाकात की और फिर मुंबई सिविल सोसाइटी से भी रूबरू हुई। यहीं पर उन्होंने राहुल गांधी के विदेशी वेकेशन पर तंज कसा। बगल में शरद पवार खड़े थे, वही शरद पवार जो महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी शिवसेना की सरकार के सबसे बड़े सूत्रधार हैं। सीधी बात है, आज वेस्ट बंगाल में ममता जी की जो जीत हुई वो काम करने वाले लाखों तृणमूल कांग्रेस के जो साथी है उनकी मेहनत से वो वहाँ की जीत हो गई, और इससे उनका पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने किया। दिलचस्प ये कि शरद पवार की एनसीपी और ममता बनर्जी की टीएमसी दोनों ही कांग्रेस से टूटकर बनी हुई पार्टियां हैं। दोनों के ही डीएनए में कांग्रेस विरोध का अंश पहले से था, लेकिन राहुल गांधी को कमजोर कड़ी बता अपनी ताकत बढ़ाने की जुगत साफ दिख रही है। ममता बनर्जी कांग्रेस को लगातार हिट कर रही है, पूरब से पश्चिम तक,
कांग्रेस के किले में चुन चुन कर सुराख बनाने में लगी है, कांग्रेस से नेताओं को तोड़ रही है। गोवा में तृणमूल कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, मेघालय में कांग्रेस के 12 विधायक टीएमसी ने तोड़ लिए हैं, मणिपुर में भी कांग्रेस में सेंध लगाने की कोशिश हो रही है। सुष्मिता देव और कीर्ति आजाद जैसे कांग्रेस नेताओं को पहले ही पार्टी में शामिल कर लिया है। ममता का उद्देश्य साफ है, कांग्रेस मुक्त विपक्ष, साथ ही विपक्षी नेतृत्व की बागडोर हाथ में लेना, क्योंकि उन्हें लगता है कि बंगाल में जीत के बाद मोदी शाह को हराने का मंत्र अब उनके हाथ में है। आज तक ब्यूरो।